नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा नाम, मैं हूं गौरी सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं एक हैरान कर देने वाली खबर जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के अलीगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और इतना ही नहीं, लड़की को खेतों में घसीटा भी गया। पीड़ित लड़की के शरीर पर शारीरिक प्रताड़ना के कई ज्यादा निशान पाए गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि लड़की की हत्या गला दबाकर की गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस 12 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले चुकी है। आलोक हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो आलोक, एक और ऐसी घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश से। पिछले 24 घंटे में 3 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सिर्फ अलीगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, पुलिसिया कार्रवाई जारी है। लेकिन इस घटना के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को और बताइए, क्योंकि जिस तरीके की निर्ममता दिखाई गई है इस लड़की के साथ, वो बेहद शर्मनाक है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं उससे साफ पता चलता है कि जो महिलाएं हैं खासकर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और महिलाएं बच्चियां खासकर गांवों में, अगर हम कहें इस घटना को भी देखें तो विलेज में गई थी ये, गांव में अपने बकरी के लिए चारा लेने के लिए गई थी ये, अपनी दादी के साथ रहती थी ये बच्ची, क्योंकि इसकी माँ जो है वो अलीगढ़ में कहीं दूसरी जगह पर रहती हैं। तो माँ को ये था कि जो दादी है वो अकेली रहती है, तो उनकी देखरेख के लिए इन्होंने अपनी बच्ची को वहाँ पर भेज दिया था कि तुम वहीं पर दादी के पास रह करके उनकी सेवा भी करो और अपने आप अपना साथ में वहाँ का काम भी देखो। तो वो बच्ची अकेली रहती थी दादी के साथ। और अब क्या हुआ कि वो संडे को ये गई थी चारा लेने के लिए बकरी के लिए, और उस दौरान इसको खेतों में किसी ने पकड़ लिया और पकड़ करके इसके साथ इस तरह की निर्ममता और बर्बरता की, जिसके बारे में बताना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी जब काफ़ी देर तक नहीं आई तो खोजने गए गाँव के लोग और फिर उसकी बॉडी पड़ी हुई मिली। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि केस रजिस्टर कर लिया है गांव के आसपास, और गांव के जो संदिग्ध लग रहे हैं जिनका हाथ हो सकता है उसी तरीके से 10-12 लोगों को उठाया गया है, उनसे उनका इंटरोगेशन चल रहा है। लेकिन अभी तक जो आरोपी है, मुख्य आरोपी या कौन किसने किया है, ये अभी तक नहीं साफ हो पाया है, यानी कि गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो फिलहाल स्थिति यही है कि इस तरह की घटनाएँ अमूमन कई सारी जगहों पर हम देखते आए हैं, चाहे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो, चाहे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो, हर जगह इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन पुलिस का बस केवल एक ही कहना होता है और रवैया यही होता है कि हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे। इस केस में भी यही कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम कहें तो 2-3 दिन बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना है ये, अलीगढ़ से आ रही है। आलोक हमें ज़्यादा जानकारी दे रहे थे, आलोक शुक्रिया फिलहाल के लिए।